करें तो इनमें दोनों लोगों का इनवॉल्वेशन जरूरी है एक मेरा इनवॉल्व होना और एक आपका भी इनवॉल्व होना तभी इस सेशन का फायदा मिलेगा तो चलिए चलते हैं अपने बिना टाइम गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये आपको सेंटर ऑफ मास के कांसेप्ट को समझाएगा क्या नेट फोर्स होता है कैसे हम इसको देखते हैं क्या उसके अंदर

इसमें आपको देखिएगा कि क्या आपने गलती की है क्या आपने सही किया है <coughs> तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर आने वाला है और फिर हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन सॉल्व करके बताना है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको ट्राई दे दिया होगा अब हम चलेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या कहता है सोल्यूशन ये कहता है कि इस पूरे सिस्टम पे अगर हम इसको पूरा सिस्टम ले लें तो इस पे नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन वो कितना है बच्चों जीरो है नेट एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो अब इस चीज का हम फायदा उठाएंगे हमको पता है कि जब इनिशियली कोई भी सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन नहीं है कोई भी वेलोसिटी नहीं है और उस पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो हमने ये मान लिया कि जब ये ब्लॉक इस कैपिटल m ये आपका वेज मूव कर रहा है लेट्स से कि इसने मूव किया डिस्टेंस x कितना मूव किया बच्चों डिस्टेंस x मूव किया अब इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कितना चलेगा बच्चों एच अपॉन साइन थीटा एच अपॉन साइन थीटा दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल टू कैपिटल एम अब इसके साथ ये एक्स आगे भी जाएगा अगर ये स्मॉल एम की बात करूं फॉर स्मॉल एम फॉर स्मॉल एम की अगर मैं बात करता हूं तो वो वेज

तो देखिए कैसे जोड़ा जाएगा इनको ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा क्योंकि तो ये देखिए ये आपके पास स्लैंड हाइट है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऑफ स्मॉल एम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो कितनी हो जाएगी बच्चों ये हम मान लेते हैं ये आ जाएगा एच अपॉन साइन थीटा Into cos theta. ये आ जाएगा हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट दिस माइनस दिस अगर हम इसको positive बोल रहे हैं तो यह आ जाएगा आपके पास स्मॉल एम की डिस्प्लेसमेंट हुई हॉरिजोंटल डायरेक्शन में कहां पर हुई बच्चों हॉरिजोंटल डायरेक्शन में अब हम फॉर्मला अपना अप्लाई कर देंगे कैपिटल एम इंटू एक्स ये एक्स मूव किया है कैपिटल एम जो वेज है वो कितना मूव किया है एक्स मूव किया है इज इक्वल्स टू स्मॉल माइनस एक्स अब हमको क्या निकालना है कि वेन द ब्लॉक जस्ट रीचेज द ग्राउंड तो डिस्टेंस मूव बाय द वेज निकालना है मतलब हमारा यहाँ पे क्या वेरिएबल होना चाहिए ये एक्स वेरिएबल होना चाहिए क्या वेरिएबल होना चाहिए बच्चों यहां पे एक्स मस्ट बी वेरिएबल क्यों एक्स वेरिएबल होना चाहिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा है 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 कि वेज ने कितना डिस्टेंस मूव किया अब ये ये कब आती है? ये तब आती तब जब तो सेंटर तो अगर हम यहां से एक्स निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा एम एच कोड थीटा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम इस तरीके से हमने ये निकाल दिया कि जब ये स्मॉल एम ग्राउंड पे आएगा तो ये कैपिटल एम कितना सरक जाएगा कितना आगे डिस्प्लेस हो जाएगा ये हमारा पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था इसके अंदर हमने सेंटर ऑफ मास का यूज किया है एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन जीरो है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो और इसी चीज का यूज करते हुए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एम कैपिटल एम इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज इज एक्स इज़ इक्वल्स टू स्मॉल एम इन टू ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम इन ग्राउंड फ्रेम तो वो एच साइन थीटा वो तो स्लोप है वो आप किसके रिस्पेक्ट में नीचे आया है इस वेज के रिस्पेक्ट में नीचे आया है उसमें हमने क्या ऐड कर दिया है एक्स डिस्प्लेसमेंट और ऐड कर दी है इसको जब हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया और प्रॉपरली इसको ऐड किया वेक्टर एडिशन किया तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आया है तो हम देख लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या है फोर विच इज एम एच कॉट थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कितने लोगों का ये आंसर आया था वो अपना कमेंट में लिखकर बताएं कि हाँ सर हमने ये किया था जो भी गलती अगर आपने किया हो तो गलती को आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं इसीलिए ये सीरीज आपके पास लाई गई है तो ये पूरी चीज है ये आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देगी रिपीट होल बेटा इसके अंदर सिंपली हमने क्या किया है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो आएगा इस चीज का यूज किया है इस इक्वेशन को लिखने में एम इन टू ऑफ दिस वेज

करेगा ये रहा पहले क्वेश्चन का सलूशन अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 2 60 किलोग्राम ये इसका यहाँ पे सलूशन रहेगा ये आपको सॉल्व करना है बताना है कि 260 किलोग्राम वुमेन स्टैंड अप इन अ 120 किलोग्राम कैनोए ऑफ लेंथ 5 मीटर दे मूव टुवर्ड्स इच अदर वन टू मीटर एंड अदर वन 1 मीटर आपको बताना है कि क्योंकि जिस पे खड़े हैं वो किस पे वो कितना मूव करेगा तो चलिए इसका सोल्यूशन आप बताइए कि क्या इसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए पटाक से इसको सोल्व करें और इसका सलूशन बताएं कि सर इसका सलूशन ये आ रहा है अगेन ये भी पूरा क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास पे ही बेस्ड है इसको आप ट्राई करें अपना सलूशन बताएं कि हाँ सर ये सलूशन आ रहा है चलिए चलिए आप लोग देखते रहिए मेरे साथ कि कैसे इसका सलूशन हम लेंगे तो देखिए सलूशन पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को एक फिगर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिगर यह है कि एक प्लेटफॉर्म मान लो आप उस प्लेटफॉर्म पे दो वूमेन खड़ी हैं दोनों का वेट 60 किलोग्राम है लेट्स टेक वूमेन वन 60 किलोग्राम और एक दूसरी है ठीक है ना अब दोनों का मास कितना है 60 किलोग्राम है इस प्लेटफॉर्म का मास कितना है 120 किलोग्राम इनका मास कितना है सिक्सटी किलोग्राम ठीक है अब वो क्या होता है कि ये लेंथ पांच मीटर की है ये लेंथ कितने मीटर की है बच्चों पांच मीटर की लेंथ है अब देखिए इसमें से एक वूमेन जो है वो टू मीटर चलती है और दूसरी वुमेन एक मीटर चलती है और कैसे चलती है टूवर्ड्स ईच अदर टूवर्ड्स ईच अदर तो हमने माना कि ये चली है कितना ये चली है कितना टू मीटर चली है बच्चों कितना चली है

लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म बी एक्स हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स है वो कितना है एक्स है अब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है बच्चों ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में हैं हमें डिस्प्लेसमेंट्स किस में चाहिए होते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए होते हैं तो ये 60 तो वो इस में टू आगे गई है और प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो इसमें हम दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए इस वुमेन का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो प्लेट प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में टू मीटर चली

120 किलोग्राम है तो 120 ट्वेंटी वो खुद कितना डिस्प्लेस हुआ है वो एक्स डिस्प्लेस हुआ है इज इक्वल टू एक बड़ा जीरो क्योंकि ओवरऑल इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया है ये उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक अनोन है विच इज एक्स और एक्स हमने क्या माना था

इज़ इक्वल्स टू 12120 माइनस 240 एक्स हो जाएगा उधर जाके तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस 1 बाय 4 मीटर माइनस 1 बाय 4 मीटर आने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में ना होके नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है 1

उनका कैसे हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपके सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में जनरली आपसे नहीं पूछेगा आपको अगर उससे क्वेश्चन देना है तो वो आपको इसी तरीके के में घुमाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वॉट ऑन वॉट सेंटर ऑफ मार्क्स तो चलिए जल्दी से दो क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन का अटैम्प्ट लीजिए और जल्दी से अपना चैट बॉक्स में आंसर लिखिए ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर पाए फटाक से इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताएं और आंसर बताने के बाद सोलूशन में हमारे साथ बने रहें तभी इस सेशन का मतलब है चलिए मैं आपको थर्टी सेकेंड दे रहा हूं सोचिए इसके अंदर क्या है कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिए सर फर्स्ट इक्वेशन में क्वेश्चन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल किए बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं मास इनटू डिस्प्लेसमेंट वो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ये होती है कि जब कभी भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है तो फिर एम वन इंटू डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू एम टू इंटू डेल्टा एक्स टू बराबर आता है ये प्रूफ कराया जाता है सेंटर ऑफ मास का उसका एप्लीकेशन हमने यूज़ किया है उसका एप्लीकेशन हमने यूज़ किया है चलिए अब आते हैं हम अपने इस वाले क्वेश्चन पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है एन आइसोलेटेड मास एम इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई चलिए ठीक है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई में मूव कर रहा था मान लिया ठीक है ये हमने ले लिया यहां से वाई और ये ले लिया हमने एक्स ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ठीक है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था अब वो बोल रहा है कि वो सडनली एक्सप्लोड हो जाता है टू फ्रेगमेंट में वो सडनली क्या हो जाता है बच्चों एक्सप्लोड हो जाता है टू फ्रेगमेंट में एक का मास कितना है एम बाई फोर और दूसरे का मास कितना है थ्री एम बाई फोर समझिए कि अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है मान लिया कि ये एक प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था ठीक है एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा था अब वो एक्सप्लोड हो गया अब वो क्या हो गया बच्चों एक्सप्लोड हो गया तो ये दो टुकड़ों में बट गया ये दो टुकड़ों में बट गया अब देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लोजन के आते हैं तो उसके अंदर सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो उसी पाथ में चलना पसंद करेगा जिसमें वो चलता हुआ आ रहा था जिसमें वो चलता हुआ आ रहा था तो अब आप देखेंगे ध्यान से कि ये पार्टिकल अगर इसका मास हम मान लेते हैं कितना है एम बाई फोर एम बाई फोर है इसका मास हमने क्या मान लिया 3m/4 क्या मान लिया 3m/4 एट द लेटर इंस्टेंट द स्मॉलर फ्रैगमेंट इज एट y इक्वल्स टू +15 सेंटीमीटर वो कहां पे पाया जाता है बच्चों y इज इक्वल्स टू +15 सेंटीमीटर पे पाया जाता है कहां पाया जाता है y इज इक्वल्स टू +15 सेंटीमीटर तो अब आपको यह बताना है कि दूसरा वाला फ्रैगमेंट कहां पाया जाएगा दूसरा वाला फ्रैगमेंट कहां पाया जाएगा हमको पता है कि इनको अगर हम जोड़ दें तो सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पे चलता रहेगा इसी लाइन पर चलता रहेगा मतलब उसका कोई भी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसी चीज़ का यूज हम करेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एम वन डेल्टा वाई सी हम लिख लेते हैं एम वन डेल्टा वाई वन प्लस एम टू डेल्टा वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू चूंकि इनके बीच में इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं तो जिधर सेंटर तो ऑफ़ कही कहीं यहीं पर किसी लाइन पर है तो अब वहां पर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो हो गया तो ये तो जीरो हो चुका है पहले वाले का मास कितना है बच्चों और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है फिफ्टीन की हुई है प्लस m2 अगर हम इसी को अपनी x' एक्सिस मान के अगर इसको सॉल्व करते हैं कि अगर ये हमारी x' एक्सिस है दूसरे वाले का मास कितना है 3m/4 है 3m/4 है दूसरे वाले का मास कितना है बच्चों 3m/4 उसका डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता तो हमने y2 मान लिया क्या मान लिया y2 अपॉन टोटल मास करेंगे तो m/4 3m/4 मतलब अगर वो इसी एक्सिस एक्स डैश के अलोंग चल रहा था अगर वो एक्स डैश के अलोंग चल रहा था तो वहां पे कोई भी सेंटर ऑफ मास में वाई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि तो सेंटर ऑफ मास उसका अगर एक्स डैश के अलोंग चल रहा था तो एक्सप्लोजन के बाद भी सेंटर ऑफ मास उसी डायरेक्शन में चलना पसंद करेगा अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे माइनस सेंटीमीटर आपको मिलेगी कितनी मिलेगी बच्चों तो ऐसे ही होते हैं इसके अंदर आपको ये में आनी चाहिए कि वर्टिकल तो डायरेक्शन में कोई फोर्स सिस्टम पे नहीं लगा है एक्सप्लोजन के दौरान जो भी फोर्सेस लगे हैं वो इंटरनल फोर्सेज लगे हैं और इंटरनल फोर्सेज सेंटर ऑफ मास का एक्सप्लोजन चेंज नहीं होता चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका सोल्यूशन मिल गया होगा तो y इज इक्वल वाई टू इज इक्वल टू माइनस फाइव सेंटीमीटर तो ये रहा हमारे पास इसका सलूशन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ वन मीटर इज बेंट एट द मिड पॉइंट टू मेक नाइनटी डिग्री एंगल द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड इज चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिख कर दें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जे मीन में आने लायक क्वेश्चन है अगेन मैं बार बार कहता हूं कि आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डिमांड किस चीज की है आप उसकी चीज को दिमाग में रख के पढ़ें डिमांड यह है कि आप जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको ग्रेस्प करते हुए क्वेश्चन को लगाए तो ये आपके सामने एक अच्छा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है तो अब इसको आप सॉल्व करें और इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दें चैट सेक्शन में जवाब दें चलिए अब हम देखेंगे इसका solution. Solution. इसको मिड पॉइंट से मोड़ा गया है तो ये लेंथ एल बाई टू हो गई होगी ये लेंथ कितनी हो गई होगी एल बाई टू ये लेंथ भी कितनी हो गई होगी एल बाई टू हो गई होगी अब इस लेंथ का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा जिसकी डिस्टेंस कितनी है एल बाई फोर क्योंकि एल बाई टू का हाफ कितना हो जाएगा एल बाई फोर हो जाएगा एल बाई टू का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों एल बाई फोर हो जाएगा तो अब देखिए ध्यान से ये एल बाई फोर हो चुका है क्या ये भी एल बाई फोर हो चुका है हाँ ये भी एल बाई फोर हो चुका है दिस इज ऑल्सो एल बाई फोर अब इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करें इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करें तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इन लाइन ज्वाइनिंग पे ही होगा इसका सेंटर ऑफ़ मास कहीं ना कहीं लाइन ज्वाइनिंग पे ही होगा क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो इनका ये सेंटर ऑफ मास इनके लाइन ज्वाइनिंग पर ही होगा अब तो आपके सामने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है इसके अंदर थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा तो देखिए ये हमको पता है डिस्टेंस दिस इज एल बाई फोर ये हमको पता है डिस्टेंस एल बाई फोर वी नीड दिस डिस्टेंस डी हमको ये डिस्टेंस चाहिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस बच्चों ये येगी एल बाई फोर रूट टू ये हो जाएगी एल बाई फोर रूट टू अब हमको चाहिए ये डिस्टेंस डी ये डिस्टेंस डी ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों फोर्टी फाइव हो जाएगा ये एंगल भी कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव हो जाएगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है अब आप देखिए

L 4, या इसके स्क्वायर इस को आप इंटैक्ट रख लीजिए इस पूरे को आप बाहर ले लीजिएगा आप इस पूरे के स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं बाहर आ गया बच्चों अंदर क्या बचता है वन माइनस रूट टू बाई टू का स्क्वायर विच इज टू बाई फोर विच इज टू बाई फोर एल बाई फोर बाहर आ चुका है वन माइनस रूट टू बाई टू का स्क्वायर करोगे तो टू रूट टू का स्क्वायर टू और नीचे आ जाएगा फोर तो दिस इज वन बाय टू दिस इज वन बाय तो d की वैल्यू सीधा सॉल्व होके आ गई l बाई फोर रूट टू एल बाई फोर रूट टू तो ये इसका सोल्यूशन है बच्चों यहाँ पे सोल्यूशन में आप देख पा रहे हैं कि सेम आपके पास आंसर आ रहा है आप इस चीज को बिल्कुल ही दिमाग में रख लीजिएगा कि ये डी कैसे निकाला जाता है इंपॉर्टेंट ये था कि सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना आपको आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास हमेशा लाइन टू होता है और वहां से हम इस डिस्टेंस को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ तो इस चीज को आप सॉल्व यहाँ पे कर लीजिएगा मैंने यहाँ पे सॉल्व इसको कर दिया है तो इस चीज को मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ अब ये क्वेश्चन आपसे लग जाएगा तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व किया चलिए तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर डिटेल थी अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन अगेन अब हम अब हमें कहा एंट्री कर रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में एंट्री कर रहे हैं रोटेशनल मोशन में एंट्री कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन में एंट्री करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसका होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहा आप जल्दी से इसको ट्राई दें एक आप इसको अटेम्प्ट दें और अटेम्प्ट देने के बाद आंसर को चैट बॉक्स में लिखें जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएं कि हमारा आंसर ये आ रहा है उम्मीद है कि आप सब लोग अटेम्प्ट दे रहे होंगे इसको सॉल्व कर रहे होंगे चलिए अपने साथ साथ मिलाइए कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसका भी सोल्यूशन मैं देने जा रहा हूं तो सोल्यूशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है देखिए सोल्यूशन इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमको परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का ज्ञान होना चाहिए क्यों क्योंकि वो आपसे पूछा है फॉर द गिवन इज यूनिफॉर्म स्क्वायर आपको ए और ई में रिलेशन बताना है ए इज दिस एक्सेस ए इज

प्लेन ऑफ फिगर थ्रू सेंटर ऑफ मास थ्रू सेंटर ऑफ मास मतलब ये जो आपके पास ब्लैक डॉट दिख रहा है ना इससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसकी वैल्यू होती है एम एल स्क्वायर बाई सिक्स कितनी होती है बच्चों एम एल स्क्वायर बाई सिक्स अब देखिए अगर स्क्वायर बाय सिक्स होता है यहां पर इस एक्सिस के अबाउट तो हम यह कह सकते हैं कि टू टाइम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस टाइम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई एफ एक्सिस इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय सिक्स बाय थ्योरम बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो यहां से आप आई निकाल दीजिए

और इस एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा इस एक्सेस इन दोनों एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ क्या आने वाला है सेम आने वाला है तो टू टाइम्स आई ए सी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय सिक्स एम एल स्क्वायर बाय सिक्स अब देखिए यहां से आई ए सी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व

हमने हमने का किया है। By symmetry हम ये कह पा रहे हैं कि और इसका वहां पर किया है तो ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों एक्सिस के अबाउट कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया है आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्योंकि इन दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जो कि मैंने आपको यहां पर समझाया है अब देखिए सर इसमें परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट देखो बेटे ये आपके पास एक प्लेन है तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो एक्सिस है ना ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस आई नॉट है इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है इसकी वैल्यू लिखी है एम एल स्क्वायर बाई सिक्स प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है

आपको इसके अंदर कैसे लॉस लगाने होते हैं फिजिक्स के आपको अगर एक बार ये पता है कि फिजिक्स का कौन से लॉस कब कहाँ पे लगाने हैं तो क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली इजी हो जाते हैं तो जल्दी से एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको एक अच्छा अटेम्प्ट देते हैं आप लोग और फिर इसका चैट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखिए और फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे बेसिक बच्चों बात क्या है कि हमें फिजिक्स के कौन से लॉज को कब अप्लाई करना है आपको ये आना चाहिए ठीक है ना फिजिक्स का कौन सा लॉ कब अप्लाई होना है सबसे इंपॉर्टेंट यही बात होती है तो ये पूरी चीज है ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है चलिए आप हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करें आप भी अपना दिमाग लगाएं और सोल्यूशन मैं यहां पे आपको देने जा रहा हूं तो ये रहा सोल्यूशन बेसिकली इस क्वेश्चन में है क्या कि यह रॉड गिर रही है

और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लॉज को अप्लाई कर सकते हैं अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट इज ओनली वन थिंग कि हम किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं आपने पढ़ा होगा किसी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है अगर कोई पॉइंट मास होता है वो किसी एच हाइट पे रखा हुआ होता है तो हम एनर्जी लिख देते हैं एम जी एच लेकिन अगर कोई रॉड है कोई चेन है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं वो किससे लिखते हैं एम जी वाई सी एम हम जो वाई लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास की हाइट लेते हैं किसकी हाइट लेते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास की तो इनिशियली इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं एल बाई टू डिस्टेंस पे होगा कहीं ना कहीं कहां होगा बच्चों एल बाई टू डिस्टेंस पे होगा अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां आ चुका है अब ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये डिस्टेंस है एल बाई टू ये डिस्टेंस तो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की है क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है तो सेंटर ऑफ मास का नीचे आ रहा होता है और तब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी है ये गई कहा ये गई किसमें है रॉड की एंगुलर एनर्जी कैंटिक एनर्जी को बढ़ाने में कहा गई है रॉड की एंगुलर कैंटिक एनर्जी को बढ़ाने में तो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वी कैन से लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और कैसी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कैसी रोटेशनल तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस नीचे गिरा है देखिए ये डिस्टेंस एल बाई टू है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एल बाई टू इस डिस्टेंस को हम यहां पे लिख रहे हैं एल बाई टू कॉस थीटा

पोटेंशियल एनर्जी अब ये जो डिक्रीज हुई है एनर्जी किसमें जाएगी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अब ये जो आप i लिखोगे वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट लिखोगे विच इज एमएल स्क्वायर बाई थ्री विच इज एम स्क्वायर बाई थ्री तो यहां से हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं विच इज वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या इतनी बात है आपको कि कैसे हम इस चीज को लिख रहे हैं इसको लिखने का सबसे आसान तरीका किसके इस के अब हमें इसको सॉल्व करना है एक एल से आप एम से यहां से एम और यहाँ से एल काट सकते हो दिस जी बाई टू थीटा यहां पे आप क्या लगा सकते हो बच्चों हाफ एंगल फॉर्मूला क्या लगा सकते हो हाफ एंगल इज फॉर्मूलाई टू हमने कॉस थीटा को इस तरीके से लिख दिया इज इक्वल्स टू एम एल बाई टू इंटू थ्री इंटू ओमेगा सॉरी एम तो यहां पे कैंसल आउट हो चुका है एम इज कैंसल्ड आउट तो यहां पे एम कैंसल आउट हो चुका है अब ध्यान से देखिए ये टू से ये टू कैंसल आउट हो गया अब इसको जब आप खोलेंगे तो ये कितना आ टू जी साइन स्क्वायर बाय थ्री एल ओमेगा स्क्वायर बाय थ्री ये आ चुका आपके पास आपको फाइंड क्या करना है ओमेगा फाइंड करना है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स जी बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू ये आपके पास ओमेगा आ गया है अब ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बाय टू है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स l बाई एल इंटू साइन थीटा बाय टू ये हमारे पास ओमेगा का आंसर आया है जब रॉड कितना झुक झुक चुकी है थीटा एंगल से वो गिर चुकी है

हमें वर्टिकल हाइट से मतलब है चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने इसको तो ट्राई कर लिया होगा अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेकंड सेकंड ऑप्शन ऑप्शन जो हम यहाँ पे पा चुके वी हैव गॉट ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है किसका रोटेशनल डायनामिक्स का अगेन इसके अंदर आपको एक स्पियर दे रखा है और आपसे पूछा है मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या पूछा है बच्चों मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं इसका अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए तो चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व देखिए सोल्यूशन में ये हमारे पास कोई स्फीयर है ये एंगल थीटा है अब ये अगर रोल कर रहा है तो हम इस अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क अबाउट अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो इस पे लगने वाला सिर्फ एक फोर्स यहाँ पर आएगा विच इज एम जी साइन थीटा बाकी के जो फोर्सेज होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे ये यहाँ पर आएगा एम जी कॉस थीटा यहाँ पर आएगा एन और ये इस सेंटर से पास कर रहे हैं सारे के सारे फोर्सेस अलोंग द लाइन है ये तो इनका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट इस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम पीछे बना देंगे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के about, इस point of contact के about, अगर हमें लिखना लिखना है लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? का मतलब टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर प्लस हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा एल्फा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इन टू वॉट एल्फा एल्फा को हम लिख सकते हैं ए बाई आर ए बाई आर तो यहाँ पे सॉरी एम जी साइन थीटा डिस्टेंस होती है यहाँ पे आप यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा एम जी साइन थीटा इंटू आर एम जी साइन थीटा इंटू आर अब यहाँ पे आप एल्फा इसको आप जब आप सोल्व करेंगे तो दिस इज सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर एल्फा की वैल्यू को हम ए बाई आर लिख देते हैं इच इक्वल्स यहां से आप ए निकाल दीजिए तो आर आर R और यहां से R cancelled out हो गया 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 ये ये आपका आपका आ आ है है क्या हमें की निकालनी तो फ्रिक्शन आप कैसे निकाल सकते हो हाउ यू कैन फाइंड आउट द फ्रिक्शन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो यहां से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकते हो क्योंकि तो आ चुका है यहां से तो फ्रिक्शन की वैल्यू एफ इंटू आर इस सेंटर ऑफ़ मास के अगर टॉर्क लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा की की वैल्यू वैल्यू हो जाएगी क्या है यहाँ पे आर लिख दिया अब देखिए अगेन यहाँ से आर R, ये आर कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे सीधा सीधा आपके पास आंसर आ गया फ्रिक्शन का वैल्यू वॉल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया है भाई टू बाई सेवन टू बाई सेवन टू बाई सेवन जी एम जी साइन थी अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए अगर वैल्यू ऑफ एक्सटैटिक फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए तो ये एम से एम कैंसिल आउट हो जाता है एम से एम क्या हो जाता है कैंसिल आउट

तो ये इंपॉर्टेंट था यह आपके पास सेकेंड ऑप्शन है इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इसको लिख रहे हैं और इसके अंदर कैसे इक्वेशंस बनती हैं यही सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है इट इज गुड आंसर 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 राइट तो हमें हमारा मिल गया अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम है इसके अंदर हमसे क्या पूछा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है जब आप इस एम वन को रिलीज करते हो एम वन को हटा देते हो जब आप एम वन को हटा दोगे तो सिर्फ कौन बचेगा एम टू बचेगा कौन बचेगा एम टू बचेगा अगर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में क्या रह जाता है बच्चों एम टू रह जाता है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में क्या रह जाता है एम टू तो इस पर अगर हम फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे तो फोर्स इक्वेशन कितनी हो जाएगी माइनस की एक्स अगर हमने स्प्रिंग को कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है स्प्रिंग को कितना है एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है X फोर्स हो जाएगा एम टू इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स जब हम एम वन को हटा चुके हैं तब की एफ बी डी है तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के बाय टू इंटू एक्स अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों के बाय टू तो 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 आपको इसके अंदर बताना था था कि जब जब आप इस ब्लॉक को को हटाते हो, M1 को हटाते हो हो तो किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से से वाइब्रेट करेगा वो हमने निकाल दिया दिया ये ये उसकी है 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 वहां से हटा दिया गया गया और हमारा हमारा आंसर आंसर क्या आ आ चुका होमवर्क दे रहा हूं

K है. अब हमने इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो एक का के डैश है तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा के डैश हो जाएगा एक का के डैश है तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा के डैश हो जाएगा तो जो आपके पास के के डैश है के डैश इन दोनों का अगर हम क्या ले लें सीरीज कॉम्बिनेशन ले लें ले, क्या ले बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन तो हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं वी कैन राइट दिस कि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ये जो के डैश है इसकी वैल्यू टू के के बराबर आ जाएगी क्यों बाय द फॉर्मूला के इज इक्वल टू के डैश इंटू के डैश अपॉन के डैश प्लस के डैश वहां से k डैश की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी टू के आ जाएगी अब यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा टू पाई अंडर रूट m बाई के डैश यहाँ पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मुला लगाया है इसका फॉर्मुला लगाया है सीरीज कॉम्बिनेशन का विच इज k डैश इज इक्वल टू टू अच्छा यहाँ पे वो क्या बोल रहा है यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि दे आर स्प्रिंग इज कट इंटू टू इक्वल हाफ एंड सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द

अब इसके अंदर अगर टू हम बाहर ले आए हैं तो टी टू और ये पूरी वैल्यू क्या लिखी हुई है टी वन लिखी हुई है ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या लिखी हुई है बच्चों टी वन लिखी हुई है तो टी टू अपॉन टी वन की वैल्यू टी टू अपॉन टी वन, -वन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों वन बाय रूट टू वन बाय रू टू ये वैल्यू किसकी आ गई है टी टू अपॉन टी वन विच इज द रेशियो ऑफ टू टाइम्स टू टाइम पीरियड्स जब एक बार स्प्रिंग कांस्टेंट के है और एक बार स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश है ये कहां से आया

से इसको बताएं। क्या इसका आंसर है अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं तब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ देन वी कैन मूव फॉरवर्ड हम इसको आगे की तरफ लेकर चलेंगे अपने सेशन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इससे आपको जी जेई में आने वाले जितने भी जई में कॉन्सेप्ट होते हैं बस वो इतने ही क्वेश्चन पे आपको मिल जाएंगे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस सेशन का आप यूज करें और देखिए इसके सोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं सोल्यूशन तो पहले इसका फिगर इंपॉर्टेंट है एक मास यहां पे m है यहां पर भी m है और यहां पर भी m है अब वो अगर ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं डिस्टेंस एल है तो पार्टिकल जो होगा ना कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ में जाएगा वो कुछ ऐसे सर्कुलर में जाएगा? क्या इतनी बात क्लियर है आपको अब ये सर्कुलर पाथ में जाएंगे क्यों ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन फोर्स जो इनके सेंटर की तरफ लगेगा ये इस सर्कल का सेंटर है ये सर्कल का सेंटर है अब देखिए इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं एक फोर्स तो लग रहा है मैं इसको अलग पेन से दूसरा भी इसका क्या लग रहा है एक F. तो इसका जो नेट फोर्स है वो किधर आ रहा है बच्चों सेंटर की तरफ आ रहा है कहां आ रहा है सेंटर की तरफ अब अगर ये नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू कर देगा सर्कुलर पाथ में तो एफ नेट की जो वैल्यू है उसको हम कैसे लिख सकते हैं इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है बच्चों सिक्सटी डिग्रीज कितना है सिक्सटी डिग्रीज ये हमारे पास नेट फोर्स है ये हमारे पास क्या है बच्चों नेट फोर्स अब आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहां से देखिए आपके पास क्या आने वाला है विच इज टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी टू से टू कट गया ये आ जाएगा एफ रूट थ्री एफ रूट थ्री एफ की वैल्यू हमको पता है कि एफ की वैल्यू लिखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों एल है डिस्टेंस बिटवीन इज एल l एंड l इन मासेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है l है अब आपको यह बताना है कि वो किस वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं मतलब इसकी वेलोसिटी v है इसकी वेलोसिटी भी v होगी इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी v होगी अब इस v की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है तो नेट फोर्स आपको मिल गया सेंटर की तरफ तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू mv2 r mv2 अब आपका काम क्या रह जाता है सिर्फ और सिर्फ आर निकालने का तो देखिए अगर आपको आर निकालना है तो आर निकालने के लिए आप यहां से ये आपकी आर हो गई इस आर को आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री दिस एंगल 30 ये एंगल आ गया 30 डिग्री अब ये डिस्टेंस आपको कितनी पता है अगर ये टोटल l है तो ये हाफ डिस्टेंस l/2 हो जाएगी ये टोटल अगर l है तो ये l/2 हो जाएगी अब हमको ये एंगल 30 डिग्री पता है और ये डिस्टेंस हमें चाहिए ये डिस्टेंस हमें चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे r cos 30 r cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू l/2 r cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू l/2

आउट करनी रूट थ्री तो से रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो गया तो वी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट जी एम बाई एल कितनी आ गई बच्चों अंडर रूट जीएम बाई एल अंडर रूट जी एम बाई

तो ये इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है कैसे आप सर्कुलर को ग्रेविटेशन में मिक्स करते हैं कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं इंपॉर्टेंट ये भी था कि कैसे आप रेडियस को कैलकुलेट करते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ वन ऑर्बिटिंग अराउंड पी एट मिनिमम डिस्टेंस डी1 ठीक है एट दैटीडर पॉइंट क्यू इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस डी देन द सन दिस पॉइंट स्पीड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसका सोल्यूशन अगर हम करते हैं तो हमको पता है कि अगर ये हमारा सन है ये हमारा सन है, दिस इज आर सन तो ये डिस्टेंस है कितनी बच्चों मिनिमम डिस्टेंस यहां पे वेलोसिटी कितनी है वी वन, किसी प्लेनेट की कि वेलोसिटी कितनी है वी If at point, Q, a distance, D2? ये आपको कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए रोटेशन का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ग्रेविटेशन के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं वहां पे सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगता है सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सेंटर के टुवर्ड्स लगते हैं और जब कभी भी सेंट्रल फोर्स मोशन होता है जब कभी भी सेंट्रल फोर्स मोशन होगा तो वहां पे सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट या कंजर्व वो हमेशा कंजर्व रहता है कहने का मतलब कि अगर हम इस पार्टिकल का मोमेंट एट ए लिख लें और एक पॉइंट बी लिख लें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एट ए अबाउट दिस सेंटर अबाउट सन अबाउट सन इज इक्वल टू एंगल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट बी अबाउट सन एंगुल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल about at a about sun is equals to angular momentum of same particle at b about sun wo kya hona chahiye same hona chahiye angular momentum kaise likhte hain mv r se likhte hain kaise se likhte hain mv r se to yahan pe la is equals to mass of particle ka m maan liya humne velocity is v1 velocity is v1 and distance is d1 is equals to lb lb yahan pe mass m same rahega distance d2 हो चुकी है और वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? V2 हो चुकी चुकी है? है। V2 M से M कट गया तो V2 टू इज इक्वल्स टू वी वन डी अपॉन डी ये आपके पास आंसर आ गया ऐसे क्वेश्चंस जई मेंस में हो सकता है कि मार्च अटेम्प्ट में आ गए हूं आ सकते हैं तो ये v1 d1 D2. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट थी कि आपको पता होना मोमेंटम अबाउट द सेंटर कंजर्व रहता है एंगल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व अब देखिए यहां कि अगर एंग्लो मोमेंटम कंजर्व लिखना होता है तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि को लिखते कैसे है MVR तो MVR at A आर एट एज MVR at B. अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो चुका है अब हम चलेंगे यहाँ पे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बॉडी प्लेस एटेंस आर नॉट फ्रॉम ऑफ दर्थ स्टार्टिटी ऑन रीचिंग देगा कि हम कैसे एनर्जी को लिखते हैं कैसे को अप्लाई करते हैं कैसे एनर्जी कंजर्व वहां पर होती है और कैसे आप अनोन को वहां पर फाइंड आउट करेंगे जल्दी से इसको सोल्व करके अपना आंसर बताए चलिए इसको आप सोल्व करके अपना आंसर बताए बताएं कि सर मेरा सोल्यूशन आ रहा है एक अच्छा अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को आप दें और जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बता दें क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मेंस के जो मार्च का अटेम्प्ट है उसमें आने की प्रोबेबिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो वो के लिए बेनिफिशियल है चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने अटेम्प्ट दे लिया होगा अब आप हमारे सोल्यूशन के साथ आइए ये हमारी अर्थ है दिस इज आर अर्थ दिस इज आर अर्थ अगर हमने इसको अपनी अर्थ मान लिया और किसी आर नॉट डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल था जिसकी इनिशियल स्पीड जीरो थी इसका मास एम है इसका मास हम कैपिटल एम ले ले रहे हैं मास ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ और ये अर्थ की रेडियस है आर अर्थ की रेडियस है आर अब ये पार्टिकल जब सेंटर ये जो सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंचेगा ये इसको ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेगा अब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स वजह से अट्रैक्ट हो रहा है तो यहां पर पहुंचते पहुंचते इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी विच इज वी विच इज वी अब इस बी को आपको फाइंड आउट करना है इस वी को आपको फाइंड आउट करना है अब देखिए अगर आप इस वी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लिख दीजिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो हम बेसिकली यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लिखना चाहते हैं के ई आई प्लस यू ई आई इज इक्वल्स टू तो के ई एफ प्लस यू ई ग्रेविटेशनल एनर्जी तो तो m, m e क्या लिखा जाएगा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी

हाउ यू यू कैन सोल्व दिस इसको कैसे आप सोल्व करेंगे आप देखिये इसको आप इधर बुला लीजिए कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई माइनस कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर अब यहाँ पे आपको वी अन है तो एम से एम काट दीजिए यहां से एम से एम काट गया कैपिटल जी एम ई कैपिटल जी एम और यहाँ पे टू अंदर आ जाएगा यहाँ पे आप वन अपॉन आर ई माइनस वन अपॉन आर नॉट का होल रूट लगा सकते हैं यही आपका आंसर आ जाएगा तो सिंपल है एनर्जी के लॉस को आप कैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं कैसे आप एनर्जी लिख रहे हैं कैसे आप यहाँ पे इसको यूज करते हैं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर इसके अंदर हमने क्या किया है सिर्फ और सिर्फ कंटिक एनर्जी कंजर्वेशन किया है अगेन ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो लॉज याद रखने हैं एक तो एंग्लोमोमेंट कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन उसके सारे के सारे क्वेश्चन इन लॉज से मैक्सिमम भी हो जाते हैं तो ठीक है यहाँ तक रहा हमारा आज का सेशन मैंने आपको एक होमवर्क दिया है एंड बेस्ट ऑफ लक टेक गुड केयर ऑफ हेल्थ थैंक यू सो मच